नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। आज हम अपनी अंतरात्मा से, हमारे अंदर दिव्य शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हुए ध्यान में बैठेंगे। ये हमें बहुत शांति, स्पष्टता, शक्ति और आत्मविश्वास देगा। जब हम कुछ पलों के लिए शांत बैठते हुए अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर हम अपने उच्च स्व के साथ, हमारे हायर सेल्फ के साथ संरेखण में, अलाइनमेंट में आ जाते हैं। हम अपने भीतर ऊर्जा के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि हम सारे कार्यों को शांति के साथ आनंद लेते हुए पूरा कर पाते हैं। आइए अब इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए कुछ पलों के लिए शांति में, मौन में बैठते हैं। हम अपना सारा ध्यान अपने श्वास पर, अपने सांसों पर लेकर जाते हैं। धीरे से सांस लें, धीरे से सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, बड़े आराम से सांस लें, आराम से सांस छोड़ें। अगर कोई पुराने कड़वे विचार या बोल मन में आ रहे हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। अपना सारा ध्यान अपने सांसों पर रखते हुए धीरे से सांस लें, धीरे से सांस छोड़ें। अपने मन में कहते रहें, इनहेल एक्सहेल, सांस लेना सांस छोड़ना। धीरे धीरे से सांस लेने से और धीरे धीरे से सांस छोड़ने से हम हमारे मन में, हमारे शरीर में बहुत आराम और आनंद का अनुभव करेंगे। इस आनंद का अब कुछ पल और अनुभव करते हैं। मुस्कुराते हुए सांस लें, मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें।
अब अपने परम प्रिय भगवान, देवी, देवता या गुरु का ध्यान करें। उनका खूबसूरत चेहरा, उनके सुंदर नेत्र जो हमें प्यार से देख रहे हैं, वे अपने दोनों हाथ उठा रहे हैं अभय मुद्रा में हमें आशीर्वाद देने के लिए। वे हमें आश्वासन दे रहे हैं ये कहते हुए, मैं यहां हूं, फिर भय क्यों? वे सदैव हमें स्मृति देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और हमारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। वे हमारी तरफ करुणा से देखते हुए कह रहे हैं, मेरे होते हुए तुम्हें भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं। गौर से सुने, हमारे कानों में हमें उनकी मधुर ध्वनि गूंज रही है। एक गहरी सांस लेते हुए, उनके होने का एहसास रखते हुए, मुस्कुराते हुए सांस लें, मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। वे हमसे कह रहे हैं, दुष्ट और बुरे कर्मों से दूर रहो। अच्छे बर्ताव और धर्मशील जीवन के निकट रहो। सत्य, प्रेम, अहिंसा, सहनशीलता तथा त्याग में दैवी गुण हैं, उन्हें अपनाओ, तुम मुझे हमेशा अपने पास पाओगे। अगर सत्य, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहोगे तो जीवन में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मुझे जब भी दिल से पुकारोगे हमेशा अपने पास पाओगे। अब हम अपना शीश झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेंगे। उनके ये दैवी चरण दृढ़ता से पकड़ते हुए अपना शीश झुकाकर हम अब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आज मैं धन्य हूं आपके दर्शन पाकर। आपके चरण पकड़े हुए मेरे ये हाथ किसी भी स्थिति में कभी ना छूट पाए। आपके दिव्य संकल्प के सामने झुकाया हुआ यह मेरा मस्तक अन्य कोई भी एहिक सुख के सामने न झुके। आपके चरणों पर स्थित हुई मेरी यह दृष्टि कभी भी उस पर से विचलित ना हो। भगवान, मेरे इस रिक्त हृदय को आप अपना मंदिर बनाइए और वहां अखंड निवास कीजिए, ताकि मैं अपने जीवन में अपने आप को कभी भी अकेला ना पाऊं, कभी भी सत्य और प्रेम के मार्ग से ना हटूं।
आपके आशीर्वाद से मेरे हृदय में बहने वाले रुधिर की प्रत्येक बूंद पवित्र हो जाएगी। और फिर मैं जो कुछ भी बोलूं, देखूं, करूं, वह सब सत्य, शिव और सुंदर ही होगा। हे देवादिदेवा, हे अंतर्यामी, आप मेरे मन में, मेरे विचारों में निवास कीजिए। मेरे मन में किसी के लिए भी कोई मैल न हो। मेरे हृदय में किसी के लिए भी कोई कड़वाहट ना हो। मेरे कर्म कभी भी किसी को चोट ना पहुंचाएं। मेरी आंखों और दृष्टि में स्थित रहिए। मेरे कान और श्रवण को व्याप्त कीजिए। मेरे मुख और संभाषा में संचरित रहिए। हे भगवान, सदैव मेरे हृदय और आशा आकांक्षाओं को मेरे शरीर और कृतियों को व्याप्त करते रहिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए भगवान, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे अपना पवित्र और सच्चा निष्पाप बालक बनाइए, जिससे मैं हर एक चीज में आपको देखूं, हर एक इंसान में आपको महसूस करूं और सब चराचर मुझे आपकी लीला लगे। फिर मेरा कोई भी दुश्मन नहीं होगा, कोई भी कार्य बुरा नहीं होगा। मैं सब में आपको देखूं, तब मैं सही मायने में पूरी तरह से इस जीवन को आपका उपहार समझूंगा और सच्चे मन और लगन से इस जीवन को जीऊंगा और अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा। हे भगवान, मैं आपका और आप मेरे ही हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वं च मम देव देव। अब हम फिर से गहरी सांस लेंगे कुछ पल। हम इस ध्यान में पाई गई ऊर्जा का अनुभव करते हुए, मुस्कुराते हुए मौन में बैठेंगे।
धीरे से सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे। हम धीरे धीरे से 1 से 3 की गिनती करने जा रहे हैं। 3 की गिनती में हम अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे, फिर इन हथेलियों को अपनी आंखों में रखते हुए हम धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। एक गहरी सांस लेते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए, सकारात्मक और हर्षित महसूस करते हुए। 2, एक बार फिर से गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ें, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए। अब जैसे ही हम 3 गिनेंगे, हम अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे। तीन, अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हुए धीरे से उन्हें अपनी आंखों में रखते हैं। 4, अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेडिटेशन पसंद आया। आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप इस मेडिटेशन को करते हैं तो आप ज़्यादा स्पष्टता से सोचेंगे, ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, एक दूसरे के साथ और प्यार प्रेम से रहेंगे। इसीलिए इस मेडिटेशन के लिए रोज़ वक्त ज़रूर निकालें। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने के लिए अगर हम कुछ पल रोज़ निकालेंगे तो इससे हम शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिससे आपको अपने जीवन को और बेहतर जीने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नए वीडियोस के अपडेट्स वक्त पर मिलते रहें। आपको ढेर सारा प्यार। नमस्ते।